सरकार तो ठीक चल रही है, पर किसान हमारे क्षेत्र का गायों और साणों से बहुत निराश है कि हमारे क्षेत्र का जो विधायक है प्रेमपाल सिंह धनगर, वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा सही तरीके से। जो जनता में जाना चाहिए उसको कोई चार छः दलाल पाल लिए, उन्हीं दलालों के बीच में काम कर रहा और कोई कार्य है नहीं है उसका। और वैसे यह सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन इसकी टिकट नहीं बदली जाए चुनाव हार नहीं सकते। अकेले देंगे, अकेले से देंगे, अकेले से क्यों देंगे, उनमें क्या अच्छा है? देंगे बम, फायदा है हमें। क्या फायदा होता है? क्यों किसानों को फायदा करते हैं विधायक सुनना। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। आज हम टूंडला विधानसभा को दिखा रहे हैं, जहां पर जगह जगह जाकर लोगों को हकीकत पूछ रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी, इस सरकार ने क्या आपको दिया एवं अन्य सरकारों ने आपको क्या दिया। तो आज हम टूंडला के श्रीनगर पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर लोगों से चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश का राज तिलक किसके नाम होगा। मेरा उमेश पारसर है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहते हो आप सरकार के बारे में, बीजेपी सरकार कैसी चल रही है? सरकार तो ठीक चल रही है, पर किसान हमारे क्षेत्र का गायों और साणों से बहुत परेशान है। इसलिए परेशान है कि छोटा आवारा आए दिन इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोडों पर घूम रहे हैं जानवर के, आए दिन इधर से लोग आंकते हैं उधर करते हैं, उधर से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे क्षेत्र का जो विधायक है प्रेमपाल सिंह धनगर, वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा सही तरीके से। जो जनता में जाना चाहिए उसको कोई चार छः दलाल पाल लिए, उन्हीं दलालों के बीच में काम कर रहा और कोई कार्य है नहीं है उसका। और वैसे यह सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन इसकी टिकट नहीं बदली जाए चुनाव हार भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ टिकट दूसरे विपक्ष ने एक जाटव को दिया, तो जाटव गठबंधन और सपा के गठबंधन को इकट्ठे होकर के चुनाव जीत सकते हैं यदि विधायक प्रत्याशी नहीं बदला गया तो। अरसर जी, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में किधर रुक कर रहा है? ब्राह्मण तो पूर्वांचल का ब्राह्मण सपा के लिए भी मन बना चुका है, और पश्चिम में देखो क्या होता है। इधर क्या रुख है टूंडला विधानसभा में? अभी 100% तो नहीं है, ब्राह्मणों का 50% है। वैसे आपके अनुसार बीजेपी सरकार क्या कमियाँ हैं? जो यहाँ के ये दलाल जो अधिकारी कर्मचारी, उनमें अंकुश नहीं लगा पाए, ये दलाली बट्टा काफी चरम पर, पुलिस का कोई गुंडागर्दी पूरी है, पुलिस जितनी वसूली हो सक रही है वसूली कर रहे हैं, जो काम 1 रुपये का है वो 10 रुपये में काम कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, ऐसा अंकुश नहीं है, वो डर नहीं है। ये तो सरकार का डर होना चाहिए कि सरकार की शिकायत हो जाएगी, उसका कोई असर नहीं हो रहा। अच्छा, आपने कई सरकारें देखी, किस सरकार में अच्छा काम हुआ जिससे जनता खुश हुई? सरकार का काम सपा का भी ठीक हुआ है, ऐसा खराब नहीं था, जनता में काम हुआ, पर वहाँ गुंडागर्दी दलाली बट्टा बहुत ज़्यादा था। अरे पारासर, एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, जैसे भी आपने बताया गायों का क्षेत्र में आतंक बहुत है, सपा सरकार में गाय कहाँ चली जाती है? अब बहुत है सपा सरकार में गाय नहीं इस तरह से आती, तब कट जाती थी कटघर में, अब घूम रही हैं, छुट्टा घूम रही हैं, जिस खेत में घुस जाएँ उस खेत का सफाया कर देती हैं, कुछ में छोड़ती नहीं है, एक दिन में एक खेत साफ है, और आदमी तार लगा सारी रात खेतों पर, जैसे सीमा पर जवान तैनात है खेतों पर किसान तैनात है। आप भाजपा से संबंध रखते हो, भाजपा सरकार किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? आप क्या पता हमें क्या किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, वो तो मंदिर मस्जिद का चुनाव चल रहा है, मंदिर मस्जिद से चुनाव जीत जाए नहीं, जनता पर दरा दो, किसानों का भी होना चाहिए, किसान बहुत परेशान है हमारे देश का। किसान क्या सरकार से खुश है? किसान सरकार से, भाजपा सरकार से इस समय तो नाराज है किसान, इस समय तो किसान बहुत नाराज़ है, इसलिए नाराज़ है कि गाय वायों का हिल्ला कम दिख रहा है, गाय वाय व्यवस्था नहीं कर रही है, कर्मचारी देख नहीं रहे हैं। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए गाय की व्यवस्था? रोगवान गाय जो गौशाला खोल रखी है उनके लिए सही टाइम से पैसा भी नहीं आ रहा है, गाय खाना वाना कहाँ खिलाएं इन लोगों को, चारा वारा तो मिलना चाहिए। तो क्या सरकार फिर से योगी जी आएंगे? आ सकते हैं योगी जी, कोई बुराई थोड़े हैं, सीट कम होंगी, सीट कम होंगी। मेरा नाम रवि कुमार है। क्या कहना चाह रहे हैं सरकार के, मुख्यमंत्री कौन होगा? तो मेरा कहना यही है, जो सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी के नेतृत्व में, बहुत ही अच्छी सरकार काम कर रही है, और आगे भी विकास के मुद्दों पर जो भी है भारत में बीजेपी की सरकार आएगी दोबारा। किसान दुखी हैं भाजपा, जैसा कि उन्होंने कहा है ये बात सत्य है कि
रोड पर गायों का सांडों का बहुत ही ज़्यादा आना जाना है, जिससे बहुत आए दिन और खेती का भी बहुत नुकसान हो रहा है। अगर सरकार चाहे इस पर बढ़िया तरीके से रुख अपनाए तो इस पर लगाम कैसे जगह जगह गौशालाएँ खुलवाई जाएँ, तो उस वजह से इन पर अंकुश लगाया जा सके। पक्ष कह रहा है कि अखिलेश की सरकार बनाए, वो अपना वो कर रहे हैं, प्रचार अच्छा चल रहा है, पर आने वाले टाइम में जो सरकार जो बनेगी मुख्यमंत्री योगी नाथ जी की बनेगी दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर। कांग्रेस के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, हिंदुत्व जगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी। वो उन्होंने अपना वो भी कर दिया है कि आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनती है तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं को स्कूटी, ये अपने नए नए अपने बुला रहे हैं, उन्होंने अपने वो निकाले हैं। पर आने वाले टाइम में क्या है, जो ये वादे करते हैं, या कांग्रेस हुई, सपा हुई, सपा के राज में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होती है, वो सरकार में नहीं है बिल्कुल भी। इस सरकार में सब कुछ अच्छा चल रहा है और जो एजेंडों पे कांग्रेस जैसे कह रही है, कांग्रेस के एजेंडों पे यहाँ का प्रत्याशी कोई भी वोट नहीं देगा। क्या पर विधायक ने क्या उन्होंने विधायक जो यहाँ पे अभी हैं, हमारे विधायक हैं जो प्रेमपाल सिंह, श्री प्रेमपाल सिंह धनगर, उन्होंने उनके उसमें इतना कोई अभी विकास वगैरह तो हुआ नहीं है। अगर प्रत्याशी अगर बदले जाते हैं जैसे अंकल जी ने कहा था तो फिर आगे से नहीं तो सीट ये सपा में भी जा सकती है, जो अपने यहाँ की विधानसभा की सीट है वो सपा में जा सकती है। शिक्षा स्वास्थ्य पर आपका? मेरा नाम अवनीश चौधरी है। आप बीजेपी के में शिक्षा स्वास्थ्य पर क्या नहीं, शिक्षा के प्रति अच्छा कार्य हो रहा है और स्वास्थ्य के भी जो है वो भी काम ठीक हुआ है यहाँ पे। अभी कोविड चला था तो कोविड में भी सरकार के अच्छे मतलब वो हुए थे, पर थोड़ा सा ये है कि यहाँ के जो लोकल के जो विधायक हैं प्रेमपाल सिंह धनगर, वो थोड़ा सा गांव में हमारे में तो अभी तक आए नहीं है, कभी एक ही बार किसी ने देखा भी नहीं है कैसे हैं। तो फिर ऐसे प्रतिनिधि को आप किस तरह वोट? नहीं साहब, उन्हें तो हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। योगी जी हार जाए, बिल्कुल योगी जी हार जाए, उन्हें वोट नहीं देंगे हम। वैसे हम बीजेपी के प्रत्याशी हैं, है ना, हमें किसी और को भी कैंडिडेट बीजेपी के हैं, आज तक बीजेपी में ही वोट दिया है, पर लेकिन अगर यही वो रहा तो यहाँ से बीजेपी निकल नहीं पाएगी। टूटना क्या करना चाहिए? नहीं तो या तो देखो कोई अच्छा सा जो है प्रत्याशी वो यहाँ पे लाना चाहिए जो जनता के बीच रहे, है ना। अब यहाँ टूटना के लोकल के यहाँ पे जो इतने सारे नेता हैं जो हैं जुड़े हुए हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए, जो लोग इन्हें जानते हैं क्षेत्र में। अब वो तो हमने तो पहले कभी देखा ही ना, उनका नाम सुना है ना, अचानक से जब टिकट की घोषणा हुई तो प्रेमपाल सिंह धनगर हैं, तो हम तो जानते नहीं हैं, पर लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट थे इसलिए हमने तो उन्हें मजबूरन वोट देना पड़ा उन्हें। 4.5 साल में बीजेपी ने कितना विकास किया है आपके यहाँ पर? कितना? देखो हमारे यहाँ गांव में, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, गांव में हमारे में कौन सा गांव है? मेरा गांव प्रतापपुरा तहसील से लगा हुआ है टूना के निकट, पर वहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। कितनी बार विधायक जी देख? एक भी बार नहीं आए हैं, सकल ही नहीं देखी है, गाँव के लोग जानते भी नहीं है विधायक कौन है, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने गाँव में जो है बहिष्कार भी किया था चुनाव का, जब ये चुनाव हुए थे तो काफ़ी हाईलाइट रहा था मामला के, मतलब गांव में किसी भी प्रत्याशी को घुसने नहीं दिया, क्योंकि गांव में बहुत सारी समस्याएं थी, तो उस पर किसी का कोई अभी कोई कार्य नहीं हुआ है। पानी की समस्याएं थी तो यहां के जो है अधिकारी थे, जो बीडीओ अधिकारी थे वो आए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि यहां पानी की टंकी वगैरह भी लगाएंगे, पर लेकिन अभी ऐसा कोई कार्य हुआ नहीं है, है ना। खरंजे वगैरह भी सही नहीं है, पर लेकिन अभी सुनने में आया है कि कार्य मतलब ये चुनाव आ गए हैं तो अभी शायद कोई आज उसका कोई शिलान्यास होने वाला है, जिला पंचायत अध्यक्ष आने वाले हैं, और तो अब देखो पता चलता है। कुछ जनता का विचार है कि बीजेपी में किसान बहुत दुखी है, मजदूर बहुत दुखी है, रोजगार नहीं है, महंगाई ज़्यादा हो गई है। महंगाई पर क्या? देखो महंगाई तो है बीजेपी में, है ना, और बेरोजगारी तो ये है कि आजकल लोकपाल जो है बेरोजगारी से इधर उधर भटक रहे हैं, बेरोजगारी तो है ही है। तो फिर सरकार कैसे आप लाओगे बीजेपी, जब रोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है? नहीं देखो लोगों के पास ऑप्शंस भी कोई नहीं है बीजेपी के अलावा, क्योंकि बीजेपी थोड़ा सा ये है कि हिंदुत्व में अपना काम करती है ना, और विकास कार्य में भी है, पर लेकिन जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, मेन चीज़ ये है कि जो प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। क्या कांग्रेस राहुल गांधी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की दुहाई दे रही कांग्रेस, हिंदुत्व काम नहीं करेगी, अखिलेश जी नहीं करेगी? देखो केवल बीजेपी ने ही ठेका नहीं ले लिया हिंदुत्व का, सारे लोग हैं वो हिंदुस्तान के ही हैं, हिंदुस्तान से ही हैं सब, कोई बाहर का तो है नहीं है। उन्हें भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए, केवल बीजेपी ने ही नहीं ठेका ले रखा है कि मतलब हिंदुओं को वही बचाएंगे,
या जो राम मंदिर बनना है या जो मस्जिद टूट रही है वो बीजेपी करे, और भी पार्टियों का भी सहयोग होना चाहिए और ये देश हित का कार्य है, सबको मिलजुल के करना चाहिए। यहाँ पर और भी कुछ वरिष्ठ लोग खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ताराचंद। ताराचंद, भाजपा सरकार है, कैसा लग रहा है, कैसा विकास हो रहा है? विकास गैया वगैरह रात भर चेन्ना लगन नहीं। पेंशन तो मिल रही होगी? पेंशन का। उम्र कितनी होगी आपकी? 70 साल। पेंशन पहले मिली है कभी? सबू ना मिली। हाँ, बैस फायदा हुआ सपा सरकार में। अच्छा, सपा सरकार में फायदा हुआ था? क्या फायदा हुआ था? खूब पैसा मिलो। वैसे कैसे मिला था पैसा, किसका मिला था? अरे हम काम करते तो मिलो। किसान हुआ तो आपको 2000 रुपया मिल रहा? कहूँ ना मिल लो कुछ। अच्छा, घर में गैस मिली? गैस सिलेंडर हमें तो भरवा होगा, फ्री मिला होगा कनेक्शन तो? पैसन थे करवाओ। अच्छा, पहले करवा लिया था। और क्या सुविधा मिल रही है भाजपा? कछु ना मिल। सड़कें खरंजे कैसे हो रहे? खरंजा तो पहले ही किए अखिलेश। आपका विधायक कौन है इस क्षेत्र का? ये टाके हैं। क्या नाम है उनका? धनकर हैं। आप नाम नहीं जानते उनका? आते नहीं आपके पास? यहाँ को आओ तो देखेंगे। विकास उन्होंने कितना कर दिया? उन्होंने विकास तो खूब करा। एक दोनों ना कई सड़कें बनवाई? कछु ना बनवाओ कि ना देखे तो उतना के को विधायक हुए। तो क्या वोट किन को दोगे? हम तो अकेले से देंगे। अकेले से देंगे? अखिलेश क्यों देंगे, उनमें क्या अच्छा है? देंगे बम, फायदा है हमें। क्या फायदा होता है? चो किसानों को फायदा करते हैं विधायक। अच्छा। सुनते ना, तो अखिलेश की सरकार आ रही है? आवेगी, आया आया ना आया। गैया बजरों के तो परेशान है, बचेंगे ना कद गैया बजरों के? माँ आप गैया बजरों कार्ड से अखिलेश को वोट दोगे, वो उसको व्यवस्था करेंगे। हाँ, इससे और जी आप क्या नाम है? संजू नाम है मेरा। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, वो अंकल जी कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं कि जैसे किसानों की कोई सुनता नहीं है आजकल, सरकार भी है बढ़िया है, अच्छी है सरकार भी, इसमें सब चीज़ की सहयोग कर रहे हैं, वो राशन भी अच्छा मिल रहा है, सब चीज़ की मदद सुविधा कर रहे हैं, पर थोड़ा किसानों के बारे में कम सोच रहे हैं, मजदूर लोग हैं उनके बारे में कम सोच रहे हैं, क्योंकि मजदूर लोग इतने आज तक जनसंख्या बढ़ चुकी है कि जितना काम नहीं, जितना मतलब मजदूर फालतू घूम रहा है उनके बारे में उनके पास कोई मतलब जजा नहीं है, विधायक भी सुनता नहीं है, कोई भी और भी साहब लोग हैं अफसर वगैरह हैं वो भी इस चीज़ में कुछ सोचता नहीं है। कौन है आपके? तुम्हारे धनकर हैं, हम तो आज तक देख नहीं। वो धनकर साहब कैसे भी नहीं है? नहीं देखे आज तक। ये 4.5 साल कितना काम? काम तो हमारे पास कुछ काम नहीं दिया ना कुछ काम हुआ, पर नाम से धनकर जी हैं पर उनका काम आज तक हमने देखा नहीं ना उनकी शक्ल देखी हमने उसका। अब बेरोजगार इतना फैल चुका है कि देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, थोड़ा ढकेल भी लगाते हैं, कोई काम कर रहा है वो भी काम सक्सेस नहीं है, नौकरी भी छूटी हुई है, फैक्ट्री बंद हो चुकी है, उनको जो प्रॉपर्टी। अभी कोरोना काल में सरकार ने कोरोना साल में देखो प्रॉपर्टी का किया था, 500 रुपया महिला के नाम में डाल दिया, उसके बाद रात में फ्री दिया, सब काम उसने अच्छे किए, पर जो चीज़ थी ना जैसा हम बंदा ही कमाता है 5000, 7000, 10000 तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो तो खत्म हो चुकी, क्योंकि लाने के लिए एक महीने में 10000 कमाता है, उस जगह पर खर्चा हो रहा 15000-20000, चौंक बच्चे छोटे छोटे पढ़ने भी जाते हैं, लिखते भी है, कुछ खाना भी है, कुछ पहना भी है, नहाते रहते हैं, सब काम होते हैं उसमें। अब प्रॉपर्टी लॉकडाउन खत्म हो गई उसका क्या करें, कर्जा लेगा तो उसमें समस्या आएगी, ब्याज भी देनी पड़ेगी, आगे प्रॉपर्टी पता चल रहा है कि मतलब लॉकडाउन फिर लगने वाला है, उसके बाद फिर क्या करेंगे किसान, वो तो मजदूर है। सरकार किसकी बनेगी? सरकार देखो जी भले किसी की भी मतलब सोचे जनता के बारे। आप किसकी चाहते? हम तो सभी की सरकार चाहते हैं, बीजेपी आया वो भी बढ़िया, सपा आया वो भी बढ़िया, बहुजन समाज पार्टी आया वो भी बढ़िया, हमारे लिए सब बढ़िया है, पर सहयोग पब्लिक का करें जो वोट देता है उसके। वैसे आपने बसपा की भी सरकार देखी, सपा की भी देखी, भाजपा की देखी, तीनों में? देखो जी सपा की सरकार बढ़िया, सपा ने जो काम किया वो बसपा ने नहीं किया, और बसपा ने जो किया सपा ने नहीं किया जो बीजेपी ने किया, सब सरकार सब बढ़िया, हम तो सबको बराबर लेके चलते हैं, पर जो सहयोग करता है वो सरकार हमारे लिए सबसे बढ़िया है। अभी इधर पर एक और खड़े हैं सचिन, क्या नाम है आपका? मेरा रवि नाम है मेरा, श्रीनगर रहने वाला हूँ। जो बच्चों के लिए 11000 रुपये डाले थे वो किसी के आए हैं किसी के नहीं आए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बैंक में वो कहते हैं कि बैंक में जाइए आप आधार कार्ड लिंक कराइए, क्या ही दफे हमने आधार लिंक करा दिया पर पैसे नहीं आए। आप किसान हुआ? हाँ, किसान के मेरे बच्चा हुए हैं, तो इससे बहुत परेशान हैं हम। किसान सरकार से दुखी हैं? बहुत ज़्यादा दुखी हैं। दुखी हैं तो भाजपा नहीं आएगी? अब नहीं आएगी सर। कौन सी सरकार आएगी? सपा आएगी। सपा आएगी सरकार? सपा क्या करेगी? हम इस धरती पर करें खड़े हैं, बस सपा की देना। बीजेपी ने क्या किया हमारे लिए कुछ नहीं किया, कोई नया काम किया हो तो उसको हमें बता दें, कुछ नहीं काम किया उन्होंने नया काम कोई,
वो सभा ने किया है, वो बीजेपी नहीं किया, वो 500 रुपये महीने दिए थे वो हमको मिले थे, वो बीजेपी ने किया है, वो चिल्लिए दिए। आपको उज्ज्वला योजना नहीं मिली, गैस नहीं मिली? मिली आपको? तो 2000 रुपये कटे रुपये पहले ही आपको किसान हो तो 2000 रुपये सब? नहीं मिला है, नहीं आ रही। राशन मिल रहा है कहाँ? वो एक महीना मिलता है, कभी नहीं मिलता। यूनिट कट करें, एक यूनिट है हमारे पास, डोलते अब एक ही रह गया, तो बताओ क्या मिला मुझे? कोविड काल में फ्री मिला था? नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला राशन। कहाँ मिला ये? नाम ही कटेगा मैम, नाम ही कटेगा तो कहाँ मिलेगा मैम? तो अब जो था वो नहीं आएगा, कौन आएगा? कैसे आएंगे तो कैसे आ जाएंगे आप बताओ, सब आएगी। आपको खैर गाय से दुख नहीं है? हमारे पास तो खैर गाय है नहीं, तो क्यों हम खेत उठा देते आधे आधे कर लेते हैं। गाय को हाँ खाती हैं बहुत ज़्यादा, बस सब अखिलेश जी को गाय घूम ली देखो क्या करें? अखिलेश जी क्या करेंगे गाय के लिए? वो इंतजाम करेंगे कुछ ना कुछ, कटवाएंगे तो उनके राज्य में सरकार में गाय दिखती नहीं है। कहाँ चली जाए और पता नहीं देखो क्या करते हैं वो गाय को, जादू है क्या उनका? जादू ही समझो आप, गाय को गायब कर देते हैं। हाँ जी, ये तो बीजेपी में सरकार है तो गाय तो घूमती रहेगी, जब वे घूम रहे तो ये घूमेंगी, तो खुद तो किया नहीं हमारे पास। देखो भैया कुछ ऐसा देखो जो गाँव के किसान लोग अपने तार वगैरह रस्सी वगैरह बांस बल्ली बाल के अगर वो करते हैं किसान अपने रोकने के लिए गाय के लिए, उसको भी आदमी रात में चोरी छिपे काट ले जाते हैं। क्यों अब किसान कब तक करे, जब चोरों से रखाए या गाँव से रखाए क्या करे किसान, किस तरह से रखाए किसान? तो वैसे बर्बाद है, क्यों गाय खाती है तो परेशान, चोर कर ले जाए तो परेशान। अब इसके बारे में ये सोच रहा हूँ कि अब किसान चलने क्या करे, या मौत के गोले में जाए? वो पैसा तो पूरी लगा लगाता अपने, तो वो तो पूरी लगा लगाता किसान, अब किसान गैयों से बचाए या चोरों से बचाए? सरकार किसकी है? सरकार देखो बीजेपी है और बढ़िया, हम तो जी चाहते हैं पर जो मतलब सहयोग पूरा करना चाहिए किसानों के बारे में। सरकार बीजेपी है, कोई भी दिक्कत नहीं, सब काम बढ़िया किए उन्होंने, ऐसी बात नहीं है नहीं किए उन्होंने, खाने में पीने में हर चीज़ की मदद की है, पर सरकार बीजेपी है, पर थोड़ा किसानों को ध्यान दें। विपक्ष कह रहा है, अखिलेश कह रहे देखो जी अखिलेश कह जैसे काम करें, अखिलेश जहाँ में बीजेपी काम बढ़िया बढ़िया है, जैसे बीजेपी में विधायक हैं तुम्हारे धनखड़ जी, आज तक उनका देखा नहीं, धनखड़ मतलब कौन से धनखड़ हैं कैसे क्या है, उनको बना तो दिया मतलब विधायक, पर आज तक विधायक ही हमने उनकी देखी नहीं किस तरह की विधायक है और किस तरह के हमारे विधायक जी हैं। तो एक बार आते तो हिंदू कितना खुश है भाजपा में और नहीं? हिंदू खुश है, भाजपा की सरकार बननी चाहिए हम भी कह रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि को काम भी तो करना चाहिए क्षेत्र में, आदमी को बदलना चाहिए। प्रतिनिधि तो हमारे एक्सपोर्ट करके उतार दिया, वहाँ के चार लोगों ने एक्सपोर्ट करके उतार दिया, यहाँ भी तो बहुत से प्रत्याशी हैं लाइन में लगे। प्रतिनिधि कैसा हो? प्रतिनिधि जनता के बीच में रहने वाला और जो लोग आप उसे जानते हों, यही लोकल का हो तो वो अच्छा है। उसमें अगर ऐसा कोई प्रत्याशी यहाँ पर उतरता है बीजेपी का तो मैं जानता हूँ कि अच्छे खासे वोटों से जीत होगी उसकी। हमारे पास एक सज्जन और खड़े हुए हैं, इन प्रधान जी हैं, इनसे बात करें। कहाँ, क्या नाम? पहाड़ीपुर भोंडेला से हूँ। नाम क्या है? ओमेश प्रताप सिंह। कहाँ ये पहाड़ीपुर भोंडेला कहाँ पर है? ये सर अब टुंडला ब्लॉक में है। तो सरकार किसकी आ रही है? सरकार तो अपने योगी जी की आ रही है, बीजेपी की आ रही है, अब की आ रही है। अब वो लोग बोल रहे थे अखिलेश की आ रही है। अरे देखो ऐसा है, मैं बताऊँ आपको, लोकल स्तर पर यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी है विधायक जी वगैरह से, लोकल का ही नेता होना चाहिए, तो किसी को जानते हैं नहीं पहचानते हैं नहीं, बाकी बाबा जी की सरकार आ रही है इसमें कोई दो राय नहीं। एक सी राज्य की बात है, लोग बोल रहे हैं अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश अब लैस हर एक वोटर अपने हिसाब से बोलता है। अखिलेश जी ने कह दिया मोदी से आपका समय पूरा होने वाला है, अब जी तो समय बताओ कि समय पूरा है वो, पर हमारे हिसाब से तो जो है पूरे अच्छे बहुमत से जो है योगी जी की सरकार बनेगी, हम काफी क्षेत्र घूमे भी है। विपक्ष कह रहा महंगाई है, किसान दुखी है, किसान विरुद्ध में बीजेपी का ऐसा कोरोना बीमारी आई और उससे थोड़ी सी परेशानियां तो हैं लोगों को, बाकी लोग सरकार में कोई विश्वास उसी में बीजेपी सरकार में। तो ये देखा एक पचोखरा की जनता की राय, सरकार बीजेपी की आएगी लेकिन कुछ परिवर्तन करना होगा, जो उन्होंने जनप्रतिनिधि यहाँ पर प्रेमपाल सिंह धनकर नाम, कुछ लोग तो उनका नाम भी नहीं बता पा रहे विधायक कौन है, और वो उनसे आक्रोशित हैं कि ऐसा विधायक हमें नहीं चाहिए, यदि ऐसा विधायक आता है तो हम भाजपा से तोबा कर लेंगे, क्योंकि विधायक ऐसा हो जो जन जन की समस्या को सुने। लेकिन यह जनता का कहना है कि विधायक कभी घूमने आए नहीं, 4.5 साल में कहीं विकास नहीं दिख रहा है, लोग भाजपा सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप कोई प्रतिनिधि को बदलना होगा ताकि वो भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे सकें।